जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को अंग्रेजी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों से मैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करने वाला हूं। इसीलिए मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा और अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मुझे आप लोगों के सहयोग की, मदद की आवश्यकता होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सहयोग मदद जरूर करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि वाले मामले में क्या चल रहा है, एक तो इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और दूसरा जो मेरा फेसबुक पेज हैक हो गया था उसके बारे में आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि वाले मामले में बहुत सारे मेरे भाई बंधु मुझसे पूछ रहे थे कि ओम भाई, श्री कृष्ण जन्मभूमि वाले मामले में आखिर कोर्ट में क्या चल रहा है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि मथुरा के अंदर श्री कृष्ण जन्मभूमि वाला मामला चल रहा था। मनीष यादव इसका केस लड़ रहे थे, उन्होंने दावा ठोका था कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, इसीलिए श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर हमारा यानी कि यादवों का अधिकार सर्वप्रथम होना चाहिए। जिसके बाद जो जादौन राजपूत समाज का संगठन है उन लोगों ने भी यहाँ पर केस किया था, ये बताते हुए कि हम भी भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और अपनी दावेदारी उन्होंने ठोकने का काम किया था। तो दोस्तों, इस मामले में आखिर क्या चल रहा है, कौन है असली भगवान श्री कृष्ण का वंशज जिसकी दावेदारी यहाँ पर मजबूत मानी जाएगी कोर्ट के अंदर, क्या इसका फैसला हो सकता है, क्या फैसला आ चुका है, इन सारे बिंदुओं के ऊपर मैं आप सभी लोगों से वीडियो के अंत में बात करने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम था, मेरा फेसबुक के ऊपर ओम यादव के नाम से पेज था जिसको हैक कर लिया गया था किसी के द्वारा। उसके ऊपर अनाप शनाप वीडियोज फोटोज डाली जा रही थी जो ऑब्वियसली मेरे द्वारा नहीं डाली जा रही थी। हमने इस मामले में फेसबुक टीम से काफी लंबे समय तक बात की, काफी मैंने ईमेल्स फेसबुक टीम को भेजने का काम किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा फेसबुक पेज का एक्सेस मुझे वापस कर दिया जाए, लेकिन फेसबुक पेज की टीम की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं आया है। उल्टा अंत में इन लोगों ने ईमेल कर दिया है कि आपका जो इशू था वो रिजॉल्व कर दिया गया है, इस तरह का ईमेल फेसबुक टीम की तरफ से आया है। हालांकि कोई भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, मेरा फेसबुक पेज का एक्सेस अभी तक मुझे नहीं मिला है। तो मुझे अब ये लगता है कि फेसबुक पेज वापस हमें नहीं मिल सकता है। 68,000 से ज़्यादा इसमें फॉलोअर थे और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि कुछ दिनों पहले ही जिस बंदे ने फेसबुक पेज को हैक किया था उससे मेरी कॉल के ऊपर बात होती है। दरअसल हमारा कोई समर्थक था, उसने फेसबुक पेज के ऊपर मैसेज किया था, तो जिस बंदे के पास उसका एक्सेस है उसने, हमारा जो समर्थक है, उसको फोन के ऊपर कॉल किया, जिसके बाद उसने कॉन्फ्रेंस करके मेरी बात करवाई। बात करने के बाद ये मालूम चला, उसने खुद कबूल किया कि उसने ही हमारा जो फेसबुक पेज है वो हैक किया है। मैंने पूछा कि भाई आपने हमारा फेसबुक पेज हैक क्यों किया है, तो उसने बताया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसने बताई। उसने कहा कि वो राजपूत जाति से आता है और जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ वो वीडियोस उसे पसंद नहीं आती हैं और इसीलिए उसने हमारे फेसबुक पेज को हैक किया है। यानी हमारी जो वीडियोस फेसबुक के ऊपर लाखों लोगों के द्वारा देखी जाती थी, इस चीज से इन लोगों को बड़ी ज़्यादा तकलीफ थी, इस चीज से इन लोगों को बहुत ज़्यादा चिड़ थी, जिसके वजह से ये पिछले कई सालों से मेरे फेसबुक पेज को हैक करने का प्रयास कर रहे थे। मेरे यूट्यूब चैनल, मेरा ट्विटर, इन सबको भी हैक करने का प्रयास इनके द्वारा लगातार किया जाता है। अंत में इन लोगों को मेरा फेसबुक पेज हैक करने में कामयाबी मिल गई है और उसका यह कहना था कि अगर मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा तो वो मेरा पेज लौटा सकता है। हालांकि इसमें कोई गारंटी है नहीं, लेकिन दोस्तों मैंने साफ साफ कह दिया कि भैया चाहे तो मेरा फेसबुक पेज हैक कर ले या कुछ भी कर ले, हम जैसे वीडियोस बनाते थे वैसे ही बनाते रहेंगे। एक पेज हैक कर लिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे साथ हमारा समाज खड़ा हुआ है, हम दूसरा पेज बनाएंगे हमारा समाज उसी तरह हमारा साथ देगा।
और जिस तरीके से मेरे पुराने ओम यादव फेसबुक पेज के ऊपर हजारों लोग जुड़े हुए थे, इस बार हम नया पेज बनाएंगे उस पर उससे भी ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास मेरे समाज के ऊपर है। तो दोस्तों, हम लोगों ने फेसबुक के ऊपर एक नया पेज बना लिया है, ओम यादव के नाम से ही ये फेसबुक पेज मैंने बनाया है। स्क्रीन के ऊपर आप सभी लोगों को नजर आ रहा होगा, इस पर मैंने साफ साफ लिख दिया है कि ये ऑफिशियल ओम यादव का पेज है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका आप सभी लोगों को लिंक दे दूंगा और आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पेज को आप सभी लोग फॉलो जरूर कर लें और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दोस्तों इस पेज को जितना हो सके उतने ज्यादा लोगों तक शेयर करें और जितना ज्यादा हो सके लोगों को बताएं कि मैंने नया पेज बना लिया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक बार फिर से मेरे उस फेसबुक पेज से जुड़ सके और जैसे पहले हमारे वीडियोस को लाखों लोग देखते थे उसी तरीके से एक बार फिर से लाखों लोग फेसबुक के ऊपर भी हमारी वीडियोस को देखें। और एक जोरदार तमाचा ऐसे राजपूत जाति से आने वाले लोगों के मुंह पर पड़े जो ये सोचते हैं कि हमारी आवाज को हमारा फेसबुक पेज हैक करके ये लोग दबा सकते हैं। इनकी ये गलतफहमी आप लोगों को दूर करनी है और आप सभी लोग अपने जितने भी सोशल मीडिया आप लोग इस्तेमाल करते हैं वहां पर जाकर इस फेसबुक पेज का आप लोग प्रचार कीजिए, प्रमोट कीजिए। यह वीडियो मैं फेसबुक के ऊपर अपलोड करूंगा, इस वीडियो को दोस्तों आप लोग जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करने का काम कीजिएगा। इतनी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से मैं करना चाहता हूं और इस वीडियो को भी जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा ये वीडियो शेयर की जाएगी, जितनी ज्यादा लोगों के द्वारा ये वीडियो देखी जाएगी, उतने ज्यादा लोगों तक इस बात की सूचना जानकारी पहुंचेगी। एक बात तो ये थी। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया श्री कृष्ण जन्मभूमि वाले मामले में क्या चल रहा है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो दोस्तों, मथुरा के अंदर जो भी श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से केस चल रहे थे उन सबको अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी कि अब जो भी सुनवाई श्री कृष्ण जन्मभूमि वाले मामले से की जाएगी, उसके अंतर्गत की जाएगी, वो सारी सुनवाई अब मथुरा कोर्ट के अंदर ना होकर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस मामले की पूरी सुनवाई की जाएगी। दरअसल बहुत सारे लोगों के द्वारा, बहुत सारे संगठनों के द्वारा इसमें कोर्ट के अंदर केस किया गया है, तो इन सबकी सुनवाई अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही होने वाली है। और दोस्तों, हम लोगों ने भी तय किया है कि नए साल में कुछ नया काम हम लोग करने जा रहे हैं और अब हम लोगों ने मन बना लिया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि वाले मामले में अब हम खुद इसमें जुड़ने का काम करेंगे, इसमें जुड़ने जा रहे हैं। नए साल में दोस्तों हम लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से एक नया संगठन तैयार करने वाले हैं, कुछ ही दिनों के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन भी कर लिया जाएगा और इसमें बकायदा हमारा संगठन केस लड़ेगा, ये दावा करते हुए कि पूरा यादव समाज श्री कृष्ण भगवान का वंशज है और इसका जो असली हकदार है वो हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। इसीलिए श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर अगर सबसे पहले किसी का अधिकार है तो वो हम यादवों का है। सुरजीत सिंह यादव जी के द्वारा मथुरा कोर्ट के अंदर इस केस की सुनवाई यादव पक्ष की तरफ से की जा रही थी, अब सुरजीत सिंह यादव जी हमारे साथ मिलकर काम करने वाले हैं और हमारा जो भी नया संगठन तैयार होगा उसमें जो यादव समाज की पक्षकार करेंगे, यादव समाज की तरफ से केस लड़ेंगे, वो सुरजीत सिंह यादव जी ही लड़ेंगे। तो अब इसमें हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, मैं इन्वॉल्व होने जा रहा हूं, हमारा संगठन इन्वॉल्व होने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होने जा रहे हैं और आप सभी लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हमारा साथ देना है। संगठन का नाम हमने सोच लिया है, हालांकि अभी तक फाइनल मोहर नहीं लगी है। अगले हफ्ते संडे को मथुरा के अंदर, वृंदावन के अंदर इस मामले को लेकर एक हम लोग मीटिंग करने वाले हैं, उस मीटिंग में नाम हम लोग फाइनल कर लेंगे, उसके बाद कुछ एकाध हफ्तों के अंदर फाइनल रजिस्ट्रेशन संगठन का करवा लिया जाएगा, उसके बाद हम लोग कोर्ट के अंदर तो केस लड़ेंगे ही, इसके अलावा हम लोग सड़क पर भी, जमीनी स्तर पर भी श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने का प्रयास करेंगे
और इसमें आप सभी लोगों के सहयोग की मुझे अपेक्षा है और आकांक्षा है, और मुझे पूरी उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इस काम में सहयोग जरूर करेंगे। बहुत ज्यादा लंबी बातें आज के इस वीडियो में नहीं करूंगा, यही कुछ बातें हैं जो आप सभी लोगों से मैं करना चाहता था। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक के ऊपर जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर आप लोग ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए। इस वीडियो को मैं फेसबुक के ऊपर डालने वाला हूं, इसको जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, अपना जितना भी व्हाट्सएप स्टेटस है वहां पर जानकारी दीजिए, ट्विटर यूज करते हैं तो ट्विटर के ऊपर जानकारी दीजिए, इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहां पर जानकारी दीजिए, हर जगह लोगों को बताइए कि मैंने नया फेसबुक के ऊपर पेज बना लिया है, और लोगों को इससे जुड़ने के लिए आप लोग जरूर कहिए। बाकी आप लोगों से मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।